अब हम लोग पढ़ चुके हैं रिवर्सिबल वर्क डन, है ना। हम लोग पढ़ेंगे रिवर्सिबल वर्क डन जो है मैक्सिमम होता है, क्यों होता है मैक्सिमम, ठीक है। रिवर्सिबल वर्क डन मैक्सिमम होता है। जो नॉर्मल फॉर्मूला है वर्क डन का क्या है, यही है कि नहीं, दूसरा चीज है, यही है ना फॉर्मूला वर्क डन का। तो इसमें मैक्सिमम वर्क कब होगा, जब प्रेशर मैक्सिमम होगा, हाँ जब प्रेशर मैक्सिमम होगा तभी ना वर्क डन मैक्सिमम होगा, हाँ। यानी मैक्सिमम वर्क होने के लिए प्रेशर जो है मैक्सिमम होना चाहिए। टू हैव मैक्सिमम वर्क दिस एक्सटर्नल प्रेशर, है ना, मस्ट बी पीएच मस्ट बी मैक्सिमम, ठीक है। तो एक्सटर्नल प्रेशर को हमने मैक्सिमम कर दिया, यहाँ पर तो इंटरनल प्रेशर भी काम करता है, यहाँ पर इंटरनल प्रेशर भी काम करता है ना। तो यहाँ पर जो इंटरनल प्रेशर है, इंटरनल PIN PIN क्या हुआ, इंटरनल प्रेशर, PEX क्या हुआ, एक्सटर्नल प्रेशर, ये एक्सटर्नल प्रेशर का बात कर रहे हैं। अब रिवर्सिबल होने के लिए इंटरनल प्रेशर मस्ट बी लिटिल बिट ना इनफिनिटेसिमली स्मॉल और ग्रेटर देन PEX, यही ना होगा, हाँ, टू बी अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। मैक्सिमम वर्क होने के लिए एक्सटर्नल प्रेशर मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम वर्क डन होगा, चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, होना ही है, ठीक है। लेकिन अगर हमको रिवर्सिबल प्रोसेस कब होगा, ये रिवर्सिबल प्रोसेस कब होगा, जब इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर में डिफरेंस जो है इनफिनिटेसिमली स्मॉल होगा, समझ में आया। ये रिवर्सिबल प्रोसेस कब होगा, जब इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर में जो डिफरेंस है वह इनफिनिटेसिमली स्मॉल है, ठीक है। तो यहाँ पर टू हैव रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, टू हैव रिवर्सिबल प्रोसेस इंटरनल प्रेशर, ठीक है, यानी एक्सटर्नल प्रेशर जो है इंटरनल प्रेशर से थोड़ा सा कम या ज्यादा हो, यही ना होगा, यही है ना। यानी ये भी मैक्सिमम हो गया, इंटरनल भी मैक्सिमम हो गया, मतलब क्या हो गया, इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर में सिर्फ और सिर्फ ये डीपी का डिफरेंस होना चाहिए। डीपी क्या है, इनफिनिटेसिमली स्मॉल प्रेशर, इनफिनिटेसिमली स्मॉल प्रेशर जो नेग्लिजिबल है, जीरो है, जीरो तो नहीं है लेकिन लगभग वो जीरो ही है। ये डीपी क्या है, जीरो तो नहीं है लेकिन वो जीरो ही है, जीरो है नहीं लेकिन वो जीरो के पास ही है, ठीक है। नॉर्मल आदमी उसको जीरो ही मान लेगा, कुछ है नहीं, हाँ आया वासन में। 1 करोड़ रुपया के जगह पर 1 रुपया रख दे तो क्या होगा, जीरो है कि नहीं, हाँ। 1 करोड़ रुपया तुम कमा रहे हो, तुमको हम 1 रुपया सैलरी देने लगे तो क्या हुआ, वही आदमी 1 करोड़ रुपया पर डे कमाता है, अब उसको पर डे 1 रुपया देंगे तो उसके लिए जीरो है कि नहीं, वो 1 रुपया, 1 रुपया जीरो तो नहीं है लेकिन वो जीरो ही हो गया ना, आई बात समझ में, वैसा ही हुआ। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए मैक्सिमम वर्क डन होने के लिए एक्सटर्नल प्रेशर मैक्सिमम होना चाहिए। इस फॉर्मूला में प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वर्क डन होगा कि नहीं,
क्योंकि जितना ज्यादा प्रेस एक्सटर्नल प्रेशर होगा उतना ज्यादा चेंज होगा वॉल्यूम में, उतना ज्यादा वॉल्यूम में चेंज होगा कि नहीं, ठीक है। तो वो तो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। अब मैक्सिमम वर्क डन भी होना चाहिए, रिवर्सिबल भी होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम वर्क डन भी होना चाहिए और रिवर्सिबल भी होना चाहिए। तो ये कैसे संभव है? उसके लिए संभव यह है कि एक्सटर्नल प्रेशर के आसपास ही इंटरनल प्रेशर भी होना चाहिए, तब ना प्रोसेस स्लो हो जाएगा। प्रोसेस को हमको स्लो करना है, इतना स्लो कि हमको पता नहीं चले, ठीक है ना। हाँ, जैसे पढ़ने में नींद आता है वैसे नींद आने लगे काम करने में। हाँ, पढ़ने में जैसे नींद आती है वैसे ही काम करने में भी नींद आने लगे, वैसा स्लो होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। हाँ, तो रिवर्सिबल प्रोसेस होने के लिए होना क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर में डिफरेंस डीपी से रखना है, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल डिफरेंस रखना है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी बढ़ चुका है और इंटरनल प्रेशर भी लगभग इतना ही कर दिए हैं, तो क्या हो जाएगा वो रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में मैक्सिमम वर्क डन हुआ कि नहीं, क्योंकि अब तो धीरे धीरे काम हो रहा, दोनों तरफ मैक्सिमम हो गया, यानी प्रेशर का जो डिफरेंस है वो इतना कम हो गया कि वर्क डन धीरे धीरे होगा, स्टेप बाय स्टेप वर्क होगा, हर स्टेप में थोड़ा थोड़ा वर्क होगा, सारे वर्क को जब हम जोड़ देंगे तो काफ़ी ज़्यादा वर्क हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि रिवर्सिबल वर्क डन जो होता है मैक्सिमम वर्क डन होता है, और ये रिवर्सिबल वर्क डन मैक्सिमम नहीं होता, क्योंकि उसमें एक बार में काम हो जाता है तो उस पूरी तरह से सारे एनर्जी यूज नहीं होता है। बोलते हैं ना जल्दी का काम शैतान का काम, हाँ, जल्दी का काम शैतान का काम, अच्छे तरीके से होता नहीं है, एनर्जी उसमें बर्बाद होता है, एनर्जी उसमें बर्बाद होता है। और जब हम काम धीरे धीरे करते हैं तो सारे एनर्जी का यूटिलाइजेशन प्रॉपर वे में होता है, ठीक है। जब सिंपल उदाहरण ले लो, घर में जब खाना बनता है तो जब अच्छे से फ्राई करना है तो धीरे धीरे फ्राई करना होगा, अगर हम पूरा जो है फ्लेम हाई कर देंगे ऊपर ऊपर जल जाएगा, अंदर कच्चा ही रह जाएगा, ऊपर से हमको लगता है पक गया अंदर से कच्चा ही रहेगा, है ना। हाँ, रोटी बनाना चाहोगे एकदम पूरा हाई फ्लेम कर दो, ठीक, ऊपर से पूरा पक जाएगा, खाने लगेगा अंदर से कच्चा ही है कि नहीं, आई बात समझ में। तो मैक्सिमम वर्क कब हो रहा है, जब हम काम स्लो कर रहे हैं, जब काम फास्ट करते हैं तो मैक्सिमम वर्क नहीं होता है, फास्ट वर्क जो होता है इरिवर्सिबल होता है और काम जो है परफेक्ट नहीं होता, यानी मैक्सिमम वर्क नहीं होता। मैक्सिमम वर्क कब होता है, जब हम स्लो करते हैं काम, जब हम स्लो करते हैं। अब जैसे पढ़ाई का बात हुआ, ठीक है, एक बच्चा है जो साल भर पढ़ता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, है ना, डेली पढ़ता है, डेली खेलता है, डेली पढ़ता है, डेली खेलता कूदता है, एंजॉय सब कुछ करता है, लेकिन डेली पढ़ता है, उसका रिजल्ट बढ़िया होता है, वो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी निकाल लेगा। और एक बच्चा हुआ है, एग्जामिनेशन का डेट अनाउंस हुआ, आप पढ़ो, ठीक है, पढ़ रहा है, परीक्षा के दिन आते आते बीमार पड़ गया, आया परीक्षा के दिन बेहोश हो रहा है हॉल में, वॉमिटिंग हो रहा है, माथा दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि रात रात भर जग के पढ़ा है, पहले कभी पढ़ा नहीं ना, वो रात रात भर जग के पढ़ रहा है, तो मिनिमम वर्क हुआ, मैक्सिमम वर्क होगा ही नहीं, वो लिख ही नहीं पाएगा, कुछ नहीं रिजल्ट होगा उसका बढ़िया, ठीक है। और घर से जब एग्जाम देने निकलेगा तो हाथ पैर सब कांप रहा है ना, एग्जामिनेशन हॉल में बैठा है, हाथ पैर कांप रहा है ना, माथा खराब है उसका, क्यों, क्योंकि वो फास्ट वर्क किया ना, साल भर बैठे रहा और लास्ट में एक महीना सिर्फ पढ़ाई किया, तो कंट्रोल होगा नहीं होगा। हाँ, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो मेमोरी कार्ड लगा हुआ है कि नहीं, वो मेमोरी कार्ड फेल हो गया, समझा कि नहीं, तो सब जगह ही होता है। तो पढ़ना भी रिवर्सिबल, अब पढ़ तुम रहे हो रिवर्सिबली कि ई रिवर्सिबली, इस पर रिजल्ट डिपेंड करता है, सक्सेस रेट डिपेंड करता है, समझ गए ना। जो रिवर्सिबल पढ़ाई करता है ना वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निकाल लेता है,
और जो इरिवर्सिबल पढ़ाई करता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं निकालेगा, सीबीएसई एग्जाम में अच्छे नंबर लेके पास उस कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिकल में मिल ही जाएगा, है ना, 20-25 नंबर उधर ले आए, 40 नंबर 60% हो गया फर्स्ट डिवीजन पास, पूरा समाज जान गया फर्स्ट डिवीजन पास, है ना, 90 भी आ सकता है, 80 भी आ सकता है, लेकिन जो बच्चा साल भर पढ़ा है वो देखोगे निकाल लेगा कहीं कहीं बहुत, ठीक है ना। तो कहता है वो कैसे निकाल लिया, उसको देखो कितना याद हो जाता है, हमको नहीं याद होता है, उसका कारण है को रिवर्सिबल पढ़ाई किया है, इरिवर्सिबल नहीं किया है। मैक्सिमम वर्क डन रिवर्सिबल में होता है, इरिवर्सिबल में मिनिमम वर्क होता है, लगता है तुमको कि काम हो गया मेरा लेकिन हुआ नहीं है, है ना, तुमको लगता है हमको तो सब याद कर लिया एक महीने में, एग्जाम के दिन जाते हो लिखिए नहीं पाते, वहाँ क्या हुआ आंसर किस कौन क्वेश्चन का लिख दिया कौन क्वेश्चन, है ना। और जो रिवर्सिबल पढ़ाई किया है वो वही लिखेगा जो जरूरत है, है ना, आई बात सुन में, इसीलिए सब जगह रिवर्सिबल का महत्व, मैक्सिमम वर्क डन करना है ना पढ़ाई में भी तो रिवर्सिबल, रिवर्सिबल बनो, इरिवर्सिबल में नहीं होगा, समझ गया ना। अब तुम लोग तो हमको सब इरिवर्सिबल दिख रहे हो, रिवर्सिबल दिख नहीं रहे हो, हम पढ़ाते हैं कोई रिवीजन नहीं होता है, है ना, तो यू पीपल आर इरिवर्सिबल, समझ गया ना, चेंज योरसेल्फ एंड बी रिवर्सिबल, इफ यू वांट सक्सेस इन योर लाइफ देन यू शुड बी रिवर्सिबल, if you don't want any success then it is other factors, it's up to you, then be irreversible, ठीक है, आ गया समझ में, समझ में आ गया ना, हैं, ठीक है। तो अब क्या हो गया, जब इसको हम reversible कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा maximum, समझ में आ गया ना, रिवर्सिबल वर्क डन मैक्सिमम वर्क डन क्यों होता है, ठीक है, आया बात समझ में। अब जैसे हमको ये दीवारी जब घर बन रहा था, दीवार बना है बहुत तेजी से मिस्त्री लगाते लगाते वहां पहुंचा दिया, ठीक है, पता चला रात में गिर गया समझे कि नहीं, तो क्या होता है ये भी धीरे धीरे काम होता है, अगर हमको पिलर ढालना है एक दिन में ही पूरा पिलर ढाल दिए पूरा ऊपर तक, नीचे से नींव से लेकर के ऊपर तक पूरा पिलर ढाल दिए, तो क्या होगा पता चला शाम में गिर गया रात में गिर गया, समझ गया ना, क्यों, क्योंकि ये रिवर्सिबल वर्क हुआ, मैक्सिमम वर्क नहीं हुआ, क्योंकि जल्दी जल्दी किए बीच बीच में वो गैप रह गया, धीरे धीरे करना पड़ता है उसको, थोड़ा थोड़ा डालना पड़ता है सीमेंट बालू, उसके बाद उसको एयर गैप को निकालना पड़ता है, उसको प्रेस करना पड़ता है, तो उसमें समय लगता है, और हम क्या किए एक एक घंटा में पूरे ढाल दिए ऊपर, डालते गए क्या होगा अंदर में गैप रह गया, एयर गैप रह गया, समझ गया ना, तो जिसके चलते वो मजबूती नहीं है, इसलिए हमेशा रिवर्सिबल वर्क करना है, इरिवर्सिबल नहीं, पढ़ाई भी वही है, पढ़ाई तो सबसे ज्यादा रिवर्सिबल है, इससे ज्यादा रिवर्सिबल है ही नहीं, है ना, स्टडी में सक्सेस लाना है तो रिवर्सिबल ही चाहिए, इरिवर्सिबल सिर्फ सर्टिफिकेट लेकर के घूमता है, वो कुछ कर नहीं सकता है, कहने के लिए वो हम एम ए बी ए पी एच डी सब कुछ कर लेंगे, लेकिन उसके अंदर टैलेंट नहीं होता है, टैलेंट डेवलप करना है तो धीरे धीरे रिवर्सिबल होना, ठीक है ना, आए बात सुन में, याद रखना। अब हम लोग अब यहाँ पर ठीक है, अब दूसरा होता है, दूसरा फ्री एक्सपांसन, ये फ्री एक्सपांसन ऑफ द गैस, फ्री, अब दूसरा केस लेते हैं फ्री एक्सपांसन ऑफ द गैस, यानी मैक्सिमम वर्क के लिए मैक्सिमम प्रेशर देना है, मैक्सिमम वर्क डन के लिए मैक्सिमम प्रेशर देना है,
और ये मैक्सिमम प्रेशर क्या होना चाहिए, इंटरनल प्रेशर से थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, यानी इंटरनल प्रेशर जितना है उसके आसपास ही अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर देंगे तभी मैक्सिमम वर्क करेगा। समझ गया ना, इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर में डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा का ही डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्री एक्सपांशन ऑफ द गैस। फ्री एक्सपांशन मतलब क्या, बिना पैसा के? फ्री एक्सपांशन का मतलब क्या हो गया, पैसा नहीं देगा, कोई डॉलर खर्च नहीं होगा? नहीं, डॉलर तो बहुत खर्च होगा। फ्री वो फ्री वाला बात नहीं हो रहा, समझा कि नहीं? बात ये हो रहा है कि जो पिस्टन जो चल रहा है उसमें फ्रिक्शन लेस पिस्टन होना चाहिए। फ्री एक्सपांशन ऑफ गैस का मतलब क्या हो गया, फ्रिक्शन लेस पिस्टन होना चाहिए, ठीक है। फ्रिक्शन लेस पिस्टन चाहिए, पिस्टन से ही ना गैस को हम कंप्रेस करते हैं या उसको छोड़ देते हैं तो फैलता है। फ्रिक्शन लेस मतलब कोई भी एनर्जी फ्रिक्शन में खर्च नहीं होना चाहिए, ये भी आइडियल सिचुएशन, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा कहीं होगा प्रैक्टिकली कि फ्रिक्शन हो ही नहीं? ये भी आइडियल सिचुएशन कि फ्रिक्शन लेस है ना। फ्रिक्शन लेस का मतलब क्या हो गया, एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो गया, एक्सटर्नल प्रेशर जीरो, ठीक है कि नहीं। फ्रिक्शन लेस फ्री एक्सपांशन कब होगा, जब एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होगा, ठीक है। फ्री एक्सपांशन कब होगा, जब एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होगा, फ्रिक्शन लेस पिस्टन होगा, समझ गया कि नहीं। तो वर्क डन तो जीरो हो ही जाएगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, W इक्वल टू डेल्टा बी, ये हो गया जीरो इंटू डेल्टा बी, क्या हो गया जीरो। तो फ्री एक्सपांशन जब होगा तो वर्क डन क्या हो गया, जीरो। वर्क डन जीरो, चाहे रिवर्सिबल रहे चाहे इरिवर्सिबल रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। रिवर्सिबल रहे चाहे इरिवर्सिबल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम रिवर्सिबली वर्क करो या इरिवर्सिबली वर्क करो, अगर फ्री एक्सपांशन हो रहा है तो वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि कोई विरोध ही नहीं हुआ। पढ़ चुके हैं ना फिजिक्स में, जब तक विरोध नहीं होता है वर्क नहीं होता है। अब दीवार में हम धक्का दे रहे हैं, दीवार खिसका ही नहीं तो वर्क कुछ नहीं हुआ, जीरो। तुम भले थक गए लेकिन काम तो नहीं हुआ, दीवार को तुम खिसका नहीं पाए तो काम क्या किया, कुछ नहीं किए, समझे कि नहीं। आया बस समझ में? तो यहाँ पर क्या है, फ्रिक्शन लेस है, उसको कोई विरोध ही नहीं कर रहा है, तो एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है। एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है, इस फॉर्मूला के हिसाब से वर्क डन जीरो है, ठीक है। तो फ्री एक्सपांशन में वर्क डन क्या होगा, जीरो। अब काम इसमें तुम धीरे करो चाहे फास्ट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, समझ गया। रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल कोई वर्क डन होगा, जब फ्री एक्सपांशन होगा तो वर्क डन जीरो होगा, इसमें सोचना ही नहीं कि रिवर्सिबल क्या और इरिवर्सिबल क्या है, ठीक है। समझ में आ गया इसका। इसके अलावा हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिकल वर्क, है ना, डिस्कस किया था ना इलेक्ट्रिकल वर्क, इसका कोई प्रेशर वॉल्यूम से लेना देना नहीं। इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या होता है, पढ़ा होगा ना, क्या कितना होता है, क्या फॉर्मूला है, क्या होता है, VQ नहीं पढ़ा नहीं है, टेंथ में पढ़ लिया, फिजिक्स में टेंथ में पढ़ लिया, और बोलता है पावर नहीं पढ़ा। तो पावर, पावर बिना वर्क डन के होता है, पावर क्या होता है, पावर क्या होता है, पहले वर्क डन पर यूनिट टाइम है, इसी से तीन तीन ठो फॉर्मूला निकला था पावर का, इसी से तीन फॉर्मूला निकला है पावर का, आप पढ़वे नहीं किए, ठीक है। कहीं कहीं VQ लिखा रहेगा, कहीं कहीं
क्यू लिखा है, वी मतलब क्या हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, और क्यू क्या हो गया चार्ज, ठीक है ना, क्यू क्या हो गया चार्ज। नॉर्मल वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ तो इतना तेज चलता है, कुछ पता नहीं चलेगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो यहाँ पर तो चार्ज का डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो हम चार्ज कितना ले जा रहा है ये देखना है, और कौन ले जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस ले जाता है ना, ईएमएफ ले जाता है ना, ई से हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, और बी हो गया पोटेंशियल, दोनों एक ही चीज होता है, ये सेम होता है कि डिफरेंट होता है दोनों, नहीं डिफरेंट होता है। EMF तब होता है जब कभी यूज नहीं किए रहते हैं बैटरी, पहला दिन जो खरीद के लाते हैं, ठीक है, उसको एक बार यूज कर लिया उसके बाद वो पोटेंशियल डिफरेंस ही रहता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन EMF, समझ गया कि नहीं, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला हम यूज करते हैं वर्क डन निकालने के लिए। ये बी और ई का काम क्या है, चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, ठीक है। तो फोर्स का काम यही करता है भी, फोर्स का काम यहाँ कौन कर रहा है, भी ना, और किसको ले जा रहा है, क्यू को ले जा रहा है, इसलिए दोनों का डिफरेंस जो है, दोनों का जो प्रोडक्ट हुआ वो इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो गया। इसको प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, बस जान लेना है कि हाँ यही इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है, ठीक है। जरूरत पड़ेगा आगे तो हम इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे, समझ गए। इसको हम लोग बोलते हैं नॉन पीवी वर्क, नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ये क्या हो गया नॉन पीवी वर्क, नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क ये नहीं है, ये और लिए इलेक्ट्रिकल वर्क है, यानी ये नॉन एक्सपांसन वर्क है, नॉन कॉम्प्रेसिबल वर्क है, इसमें ना तो एक्सपांसन होगा और ना ही कॉम्प्रेशन होगा, इसमें होगा नहीं ना, ना तो एक्सपांसन वाला कोई प्रॉब्लम आने वाला है, ना कंप्रेशन वाला प्रॉब्लम, नॉन एक्सपांसन नॉन कंप्रेशन वर्क, ठीक है, नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क, प्रेशर वॉल्यूम में कोई चेंज होने वाला इससे नहीं है, इससे उसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग एक नया टर्मिनोलॉजी सीखेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। तो हम लोग अब नेक्स्ट चीज पढ़ रहे हैं इंटरनल एनर्जी और इंट्रिंसिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी और इंट्रिंसिक एनर्जी। किसी भी बॉडी में जो स्टोर्ड एनर्जी होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या एक तरह से स्टोर्ड एनर्जी इन द बॉडी, किसी चीज के बॉडी, कोई भी बॉडी है उसमें जो स्टोर्ड एनर्जी होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक एनर्जी और इंटरनल एनर्जी। जैसे हम हैं तुम्हें सबके बॉडी में एनर्जी स्टोर्ड है ना, वो एनर्जी जो है क्या है, इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। और इंटरनल एनर्जी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, इंटरनल एनर्जी को कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, दिस इज योर इंटरनल एनर्जी कैपिटल यू, ठीक है। अब इंटरनल एनर्जी जो होता है हमारे बॉडी में या किस चीज के बॉडी में कैसे होता है, इट डिपेंड्स अपॉन सो मैनी फैक्टर्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड। जो जो फैक्टर नजर आ, हम बोल रहे हैं इसका भी इम्पैक्ट है, हम बोल रहे हैं इसका भी इम्पैक्ट है, ठीक है, हाँ, बगल में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया उसका भी इम्पैक्ट है, गाना बजा रहा है उसका भी इम्पैक्ट है, ठीक है ना, यानी आसपास में जो एक्टिविटी होता है ना वो सारे एक्टिविटी को हमको अकाउंट करना होगा अगर इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करना है तो बड़ा डिफिकल्ट। नॉर्मल ये सब एनर्जी तो रहता ही है, ट्रांसलेशनल एनर्जी मीन्स एक जगह से दूसरे जगह जाने के समय एनर्जी कुछ पैदा हो, वाइब्रेशनल एनर्जी में हिलते डुलते एनर्जी हमारे अंदर आए, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, दुनिया का हर चीज़ इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है तो उस इलेक्ट्रॉन के चलते भी कुछ एनर्जी है स्टोर हमारे बॉडी में, ठीक है। उसके बाद है न्यूक्लियर एनर्जी, हर एटम में न्यूक्लियस है, हर एटम में न्यूक्लियस है ना, तो उस न्यूक्लियस के चलते एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कैसे होता है,
जब बहुत सारा एटम आपस में इंटरेक्ट करता है तो उसके चलते पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होता है। पोटेंशियल एनर्जी कैसे डेवलप करेगा, जब इंटरेक्शन होगा। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंटरेक्शन, ठीक है ना। अपने पड़ोसी से हंसी मजाक कर रहा है या लड़ाई झगड़ा कर रहा है या बैठ के बात कर रहा है ना, पड़ोसी लोग से वो बहुत कुछ हो सकता है, वो सब एनर्जी भी हमको कंट्रीब्यूट करेगा। इसके अलावा जो जो चीज़ तुम सोच सकते हो, बल्ब जला दिए उसका भी एनर्जी से होगा, पंखा चला दिए उसके भी एनर्जी से कुछ हो जाएगा, यानी जो तुम सोचेगा ना वो सब का प्रभाव पड़ेगा। तो कोई कम सोच सकता है, कोई ज़्यादा सोच सकता है, कोई बहुत ही ज़्यादा सोच सकता है, कोई बहुत ही कम सोच सकता है ना, यानी हमारे सोचने पर डिपेंड करता है इंटरनल एनर्जी किसी भी बॉडी का। अब हम इस डस्टर का इंटरनल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। ये डस्टर एनर्जी का इंटरनल एनर्जी क्या है, तो जो जो फैक्टर मन में आएगा सबको जोड़ते जाओ, यानी एंडलेस फैक्टर है, कितना फैक्टर को हम देखते जाएंगे, आई बात समझ में। इसलिए बड़ा मुश्किल है इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करना, ऑब्जर्व करना, ठीक है, आई बात समझ में। तो डायरेक्टली हम इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट नहीं करते हैं, क्योंकि ये सारा एनर्जी है, ट्रांसलेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, पोटेंशियल, ये सब तो प्रोमिनेंट एनर्जी है जिसको कि हम लोग कुछ हद तक स्टडी भी कर पाएंगे। उसके अलावा ऐसा ऐसा एनर्जी है जिसको स्टडी करना मेरे लिए डिफिकल्ट, ठीक है, और जो जो सोचेंगे वही वही सही होगा। तो सारे एनर्जी का कंट्रीब्यूशन होता है इंटरनल एनर्जी में, यानी जो जो घटना घटेगा आसपास वो सब का कंट्रीब्यूशन होता है इंटरनल एनर्जी में, है ना। इंटरनल एनर्जी क्या है, उस बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है, और कितना एनर्जी स्टोर हुआ है वो आसपास के जो एक्टिविटी है, उस बॉडी के अंदर में जो एक्टिविटी है वो सब का कंट्रीब्यूशन है उसमें। तो बड़ा मुश्किल है ना इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करना, तो इसीलिए हम इंटरनल एनर्जी को डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑब्जर्व कर पाते हैं, ठीक है, उसको पढ़ेंगे आगे। अब यहाँ पर हम लिखे हैं कि इंटरनल एनर्जी जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पहले पढ़ा चुके हैं, हाँ, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ा चुके हैं ना, शेप एंड साइज, मास और साइज के ऊपर जो डिपेंड करता है वो एक्सटेंसिव है, जो मास और साइज पे डिपेंड नहीं करता है वो, ठीक है, सिंपल बात है, जो हैवी बॉडी है जिसके पास उसके पास ज़्यादा एनर्जी है, जिसके अब गिर जाएगा तुम्हारे ऊपर तुम तो चोखा बन जाएगा, हाँ, जो पतला है ना उसके पास इंटरनल एनर्जी कम है, वो गिर भी जाएगा किसी के ऊपर तो पतो नहीं चलेगा, है कि नहीं, हाँ, है ना, दीवार गिर जाएगा किसी के ऊपर बहुत पता चलेगा, अब उसके ऊपर एक फूल गिर जाएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं, है ना। तो इंटरनल एनर्जी डिपेंड करता है मास के ऊपर, यानी क्वांटिटी के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर इंटरनल एनर्जी डिपेंड करता है, उसके बाद साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है, आई बात समझ में। तो इसलिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, आई बात समझ। दूसरा चीज है, ये स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है, इनिशियल और फाइनल जो कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है। कैसे, जैसे किसी के कोई लोहा लिए उसको गर्म करना है तो गर्म कर, डायरेक्ट हीटर से हीट कर देंगे गर्म हो जाएगा, दूसरा उपाय उस पर रगड़ते जाएंगे गर्म हो जाएगा, है ना। तीसरा उपाय है कि जो है उसके आसपास और वर्क डन किया जाए जिससे चेंज होगा उसके हीट एनर्जी में, आया बस समझ में। सेम टेम्परेचर में हम चेंज लाएंगे, सेम टेम्परेचर में चेंज लाने के लिए बहुत सारा मेथड है, बहुत सारा मेथड है। हो सकता है हम गर्म पानी डाल दें उसके ऊपर, हो सकता है डायरेक्ट हीटर लगा दें, ठीक है। तीसरा उपाय उसको रगड़ सकते हैं, चौथा उपाय है उसको कोई हॉट हवा चल रहा है उसके आसपास रख दें, तो बहुत सारा उपाय, काम करने का तरीका बहुत है, खाली टेम्परेचर सेम लाना है, तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सेम टेम्परेचर चेंज ला सकते हैं। उस वो पूछने नहीं जाएगा कि टेम्परेचर चेंज कैसे हुआ, खाली मतलब है उसको कि इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर,
इंटरनल एनर्जी में चेंज हो गया, ये हम ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन उस इंटरनल एनर्जी में चेंज करने के लिए कौन कौन सा मेथड यूज किया गया उससे कोई मतलब नहीं है। इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ इससे मतलब है इनिशियल कंडीशन अभी था ये पैरामीटर्स है, अब बाद में इस पैरामीटर्स का वैल्यू बदल गया, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे हुआ इससे कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए ये क्या हो गया, स्टेट फंक्शन हो गया। यानी इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन के ऊपर ये डिपेंड करता है, इसलिए ये क्या है, स्टेट फंक्शन है। समझ गए, क्लियर।